मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने जनपद के विकास खंड कुंदर की कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर पाया कि ब्लॉक कैंपस में वाटर रिचार्जिंग और इंटरलॉकिंग का काम कराया जा रहा है। उसी दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने अवर अभियंता आरईडी को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने सहित कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं खंड विकास अधिकारी ने बताया कि एक तृतीय श्रेणी और एक आवास चतुर्थ श्रेणी का है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पूर्व निरीक्षण में भी आवासों को निष्प्रयोज कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर खंड विकास अधिकारी को पुनः निर्देश दिए गए हैं कि कार्रवाई 15 दिन के अंदर पूर्ण करते हुए अवगत कराएं। वहीं खंड विकास अधिकारी ने बताया कि मोहम्मद जक्की सहायक लेखाकार मनरेगा द्वारा शासकीय कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है, जबकि इनको कई बार निर्देशित किया जा चुका है और उन्हें निर्देश दिए गए कि मोहम्मद जकी को सेवा से हटाए जाने का प्रस्ताव आज ही प्रस्तुत करें। पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा की गई और एडीओ पंचायत को समस्त पंचायत भवनों सहित शौचालय को 10 दिन के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं एडीओ पंचायत ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज कुमार बग्गा द्वारा लगभग 2 वर्षों से अनुपस्थित चल रहे हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी को इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त समस्त पटलों का निरीक्षण कर अभिलेखों को सही प्रकार से रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय श्वेता वर्मा, खंड विकास अधिकारी पवन कुमार, अवर अभियंता आरईडी आलोक वर्मा, एडीओ, आईएसबी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा।